हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। तो दोस्तों, फाइनली एक और आरआरबी की तरफ से बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, एनटीपीसी के लेवल 5 वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी अपडेट आई है। देखिए, बड़ी खुशखबरी यही है दोस्तों कि एक और आरआरबी ने जो है एनटीपीसी का लेवल 5 का जो है डीवी की ब्लॉक डेट जारी कर दी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से छात्रों को लगातार एक से एक बड़े मौके मिल रहे हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है लेवल 5 के डीवी के ब्लॉक डेट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से आरआरबी ने अब जो है लेवल 5 की डीवी ब्लॉक डेट जारी की। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल-पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी शाम के 4:10 का वक्त हमने आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर देख सकते हैं, rrbchandigarh.gov.in। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट दी गई, आज के दिन 20 तारीख को देखिए CN01/2019 NTPC लेवल 5 DV ब्लॉक डेट नोटिस। देखिए, नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट ऑन शेड्यूल्ड रेगुलर डेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर NTPC लेवल 5 पोस्ट। तो इसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए PDF डाउनलोड होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर PDF ओपन हो चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की तरफ से। ठीक है, नोटिस फॉर द कैंडिडेट हु फेल, मतलब जो कैंडिडेट्स रेगुलर DV में अटेंड होने में लेवल 5 के लिए अगर मतलब एबसेंट होते हैं, मतलब कि अगर वो फेल हो जाते हैं, मतलब अटेंड नहीं हो पाते, तो उनके लिए ब्लॉक डेट जारी की गई है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 21 तारीख को एक रिजल्ट दिया, DV का फुल शेड्यूल दिया गया था, उसमें जो है टोटल अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो जो है आपका लगभग 5 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 5 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट, मतलब कि फर्स्ट फेज़ वाले कैंडिडेट्स को, उसके बाद जो है 14 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर, मतलब टोटल अगर बात करें तो जो है 5 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यहाँ पर DV चलने वाले हैं लेवल 5 के आरआरबी चंडीगढ़ में। तो वहीं पर अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर दो फेज़ बनाए गए थे, पहला फेज़ था वो 5 दिसंबर से 13 दिसंबर, दूसरा फेज़ 14 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में। तो जो भी कैंडिडेट्स का शेड्यूल बनाया गया था DV के लिए 5 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, अगर वो कैंडिडेट्स एबसेंट होते हैं DV के लिए रेगुलर DV में, तो वो जो है 26 दिसंबर को DV करवा सकते हैं, उनके लिए ब्लॉक डेट ये रखी गई है। वहीं पर अगर बात करें तो 14 तारीख और 23 तारीख के बीच में सेकंड फेज़ में जिन कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाया गया था आरआरबी चंडीगढ़ में, तो वो कैंडिडेट्स अगर फेल होते हैं या DV देने में एबसेंट होते हैं, तो वो जो है 27 तारीख को ब्लॉक डेट पर अपना DV दे सकते हैं। तो ये बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, अगर बात करें रिपोर्टिंग का टाइम का, तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का रहेगा ब्लॉक डेट का, आप देख सकते हैं 26 तारीख को भी और 27 तारीख को भी आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिस में। उसके बाद जो है टोटल जो बाकी जो वो होगी कैंडिडेट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हो गए वो सारे जो है रिमेंस सेम रहेंगे, मतलब कि सभी के लिए सेम रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट शेड्यूल फॉर 26/12/2022 विल नॉट बी इंटरटेंड ऑन 27/12/2022, मतलब कि जो कैंडिडेट्स को 26/12 को बुलाया गया है वो 26/12 को ही हाजिर हो, उनको 27 तारीख को, मतलब कि उनको DV नहीं दिया जाएगा, मतलब कि उनके लिए DV के लिए मतलब कि 26 को ही अटेंड होना पड़ेगा, 27 को आए मतलब 27 को ना आए वो लोग, क्योंकि उनको जो है 26 के लिए फिक्स कर दिया गया है। अगर वो 27 को जाते हैं तो उनको जो है उनकी जो है इंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब कि उनका DV नहीं होगा। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी दोस्तों, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स।